डालने वाली है, आप क्या सलाह देंगे लोगों को? मैं दो बातों के बारे में बोलूंगा। एक तो जो डॉक्टर भंसाली ने बोली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मैं उसको एक बार रिपीट करूंगा कि 94 से ऊपर ऑक्सीजन है तो कोई चिंता की बात नहीं है, 94 से नीचे आने लगा इसका मतलब आपके लंग्स में ऑक्सीजन का आदान प्रदान कम हो रहा है। पहला काम ये करिए कि आप पेट के, नॉर्मली हम अपनी बैक पे लेटते हैं, आप तुरंत पेट के बल लेट जाइए और दोनों हाथों को ऐसे करके अपने सर को तकिए के ऊपर, हाथों के ऊपर रख लीजिए। उतना करने मात्र से लंग के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि 4-5% से आपका ऑक्सीजन तुरंत बढ़ जाएगा। एक दूसरा, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, मेरी तरफ देखिए, आप मुंह खोल के गहरा सांस लें और जितना गहरा सांस आप खींच सकते हैं उतना गहरा खींचें और उसको जितनी देर रोक सकते हैं, हो सकता है आप 5 सेकंड ही रोक पाएं, लेकिन अगर आप 5 सेकंड भी उसको रोक पाएंगे आप तुरंत पल्स ऑक्सीमीटर पर अपनी ऑक्सीजन 2-3% से बढ़ता हुआ देख पाएंगे। तो पेट के बल लेटना और गहरा सांस खींच के रोकना, ये दो चीज आप ऑक्सीजन कम होते ही तुरंत करिए, एक बात। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वैक्सीनेशन के बारे में जो लोगों को भ्रांति है वो बिल्कुल गलत है। वैक्सीनेशन से क्या फायदा हुआ है, जितने भी लोगों ने पूरा वैक्सीनेशन लिया है उनको इन्फेक्शन हुआ है, कोई कंपनी ये क्लेम नहीं करती कि 100% एफिकेसी है, इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन जिन जिन को वो इन्फेक्शन हुआ है, मुझे भी हुआ है, मैं भी उनमें से एक हूँ जिसको वैक्सीनेशन के बाद कोरोना पॉजिटिव हुआ, लेकिन मुझे 60+ एज के बावजूद माइल्ड डिजीज हुई, अस्पताल नहीं जाना पड़ा और ये माइल्ड डिजीज आकर के निकल गई, अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, आईसीयू की जरूरत नहीं होगी और अभी तक वैक्सीनेटेड व्यक्तियों में कोरोना होने पर कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं है। तो ये बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं, वैक्सीन आपको मृत्यु से रोक रही है, वेंटिलेटर की जरूरत से रोक रही है, आईसीयू की जरूरत से रोक रही है, सीवियर डिजीज से रोक रही है, आपके लंग्स डैमेज होके लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो कोरोना की जो सबसे डरने वाले जो एरियाज हैं उससे वैक्सीन आपको 100% प्रोटेक्शन दे रही है, अगर इन्फेक्शन हो भी गया तो वो माइल्ड सा होगा, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, एक जगह भीड़ इकट्ठी ना करना, जहां तक संभव हो घर में रहना, ये बिहेवियर करना